अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर खलीदुर्रहमान कमर जी के साथ, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका हमें वक्त देने के लिए। सर, आपकी कोई फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी? तो मेरा जल्दी गुस्से में आ जाने वाला बच्चा था। कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था, लेकिन जो पंगा करे सही फिर उसकी अच्छी की चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो काम कम लोगों को मालूम है, वो जो जुवेद जुनूनी का था जिसने 100 बच्चों को मारा था, जब मैं आया शाहबाग में आया ना, तो उसको मैंने इतनी घंटी लगाई थी कि तू सोच नहीं सकती। वो मेरे छोटे भाई को हरास को तंग कर रहा था, लगा गुंडा होता बकायदा गुंडा था, तो उसको पता नहीं था कि ये मेरा भाई है। उसको मैंने इतना मारा, मुझे पता होता इसने ये करना है तो लाइफ ऐसा मैं मार ही देता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि रोज़ाना एक फिल्म देखता। रोज़ाना 8वीं के बाद ना मैं रोज़ाना एक फिल्म देखता था। उसके लिए मैं अब्बा की जेब से पैसे भी चुरा लेता था, अम्मी के पीतल तांबे के बर्तन भी बेच देता था, और 2 दिन ना मैं छत पे खड़ा होकर यजीद को गालियां देता था। और उस वक्त मुझे ठीक से यजीद के बारे में मालूम नहीं था, और गालियां देने की वजह से उसका एक्ट नहीं था। तो फिर क्या वजह थी? वो उसकी वजह से 2 दिन 9 या 10 मुहर्रम सिनेमा बंद होते थे। फिर गांव जाता था मैं, स्कूल की छुट्टियों में गांव जाता था, तो मेरा शौक था साग मकई की रोटी मक्खन। एक गर्मियों में गया तो दूसरे दिन तीसरे दिन मक्खन ख़त्म हो गया, और मुझे मेरी नानी ने कहा कि अच्छा जाके ना मामे के घर से लिया। तो मैं गया मामे के घर, तो मामी को मैंने कहा वो कोलाम ने मैंने आज पकड़ा हुआ था बॉल, उसको आप लोग बॉल कहते। तो मैंने कहा कि मक्खन दे, तो मामी ना खासा मक्खन वो मटकी में से निकाल के देने लगी। तो वहाँ दूर मामा मेरा बैठा हो कहता है वो कितना खाना है, लाप के दे दे। फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने खोला फेंका, बाहर निकला मैं गुस्से से, क्या कहते हैं झाग बोलता था। तो मेरे अम्मी की चची की बेटी खाला हाजरा, वो मेरी उम्र की थी, मेरे 2 साल बड़ी थी। तो मैंने जाकर उससे पूछा, मुझे बताओ जरा ये नाली पर चूहे पानी पी रहे हैं, मुझे मामा मामे में कौन से? उसने कहा ये बोले दस जो है मामे। तो मैंने ले जाया वो डंडा पड़ा, और मैंने 10 के 10 की फोटो बना दिया। दो घंटे बाद मामी आ गई इतना मक्खी लेके। आई फिर एक दफ़ा क्या हुआ, मेरे गांव में नानी के गांव में अल्लाह रखी होती थी, अल्लाह रखी ये नहीं पता उनका नाम पीछे अल्लाह रखी था, लेकिन अल्लाह रखी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे सलामत हो मेरी दुआ है। उन्होंने मेरे बड़ी शराब थे, बड़े नफे शहर में, तो उन्होंने ना भुट्टा नहीं भुट्टा इसके जो छिलके हैं छक्कड़ जो हैं उसको खाने के लिए छत पर डाले हुए थे। तो मेरे हाथ में काना आया एक, मैं वो तनूर में डाला तो उसको आग लग गई। तो मैं उस आग लगे हुए काने को लेकर ऊपर चढ़ा, ऊपर वो 2 छुट्टी उनकी भरी हुई थी, मैं जाकर बीच में दिया उसके और आग लग गई। वो इतनी खौफनाक आग थी, आग भड़क उठी। मुझे याद है वो धाइयाँ मार के रो रही थी, और पूरा गाँव मटकों में पतीलों में पानी डाल के वो आग बुझा रहा था, और मैं एक बाउंटी पर खड़ा तमाशा देख रहा था। इस तरह की बहुत सारी बेवकूफियाँ मैंने की अपने बच्चों में।
जब आपने भी बोला कि आप फिल्म देखने के लिए पैसे चुराते थे तो कभी पकड़े नहीं गए आप? बोले हमेशा फिर क्या सजा मिलती थी आपको? बहुत मारते थे फिर भी आप? लेकिन फिर भी मैं टलता नहीं। फिल्म का ना मुझे क्रेज था, जैसे किसी हीरोइन की का नशा नहीं टूट रहा। ऐसे मेरी हालत होती थी। और जब मैंने छोड़ी ना फिर मैं आई वॉज इन मैट्रिक दैट टाइम आई रिमेंबर इट वॉज प्रायर टू थ्री मंथ्स आई वॉज टू सिट इन द एग्जामिनेशन ऑफ मैट्रिक। उसके बाद मैंने फिल्म उस वक्त देखी है जब मैंने फिल्म बनाई आगे ट्रस्ट मी, और कुछ चार दो महीने पहले मैंने बहुत सारी फिल्में देखी। मैंने वो बहुत सुनी फिल्म अदरवाइज। मैं जब बैंक में था तो मेरी स्ट्रेस इंस्ट्रक्शन थी तो मेरे कमरे में जब अखबार भेजे हैं तो पहले उसमें से उनमें से फिल्मी सफ़ा निकाल दिया जाए। तो पहले वो स्टाफ रूम में जाते थे उसमें से सारे वो फिल्मी सफ़ा निकलते थे फिर मेरे कमरे में आते थे। क्यों? आई यूज़ टू हियर, आई यूज़ नॉट टू बी, आई यूज़ नॉट टू लाइक दैट। आपकी पहली फिल्म थी कर्ज? या आपकी क्या सोच थी उस फिल्म को बनाने की? और कोई बंदा सोचता है ना एक पॉइंट सेट करता है, ऐसा कुछ सोचा था आपने? अच्छा, उसमें जो मेन टारगेट था आई वांटेड टू मेक अ गुड फिल्म। आई न्यू अगेन इट वाज इनबिल्ट इन मी, आई न्यू दैट आई विल बी एबल टू मेक अ गुड फिल्म। एंड देयर वाज अ फिल्म व्हिच वाज नॉमिनेटेड फॉर 30 नेशनल अवार्ड्स। 30? दिस इज द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और पहला नेशनल अवार्ड मैंने उसी से लिया। पहली उर्दू और पहली पंजाबी फिल्म से अवार्ड मिला है। तो द मेन पर्पज ऑफ मेकिंग दैट फिल्म वाज टू अर्न गुड मनी आउट ऑफ दैट दैट बैंड कुडंट सक्सीड एट ऑल, दैट लॉस्ट मनी। दैट वाज द पर्पज। उससे डिसहार्ट नहीं हुए आप? पर आगे बढ़ते गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुझे डिसहार्ट नहीं होंगे। एक नई उम्मीद के साथ फिर नए प्रोजेक्ट। मेरा बिलीव अल्लाह के ऊपर, आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड, आई बिलीव अल्लाह विल पे मी फॉर दैट। वो हमेशा हुआ। उम्मीद में तो किसी चीज़ के ना होने का डर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीदों पर जिंदा नहीं रहता मैं। अल्लाह बिलीव है मेरा, स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव है। परेशानी भी आ जाए तो मुझे मेरा ईमान होता है कि गलती हो गई, अल्लाह से माफ़ी मांगो, नए सिरे से मेहनत करो, मदद कर दे। आपको एक टीम के साथ काम करना पसंद है या? टीम के साथ बगैर हम काम कैसे कर सकते? एवरी बडी इज वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट इज डैम इम्पोर्टेंट देन या एवरी अदर पर्सन, सो नोबडी कैन क्लेम दैट इट वाज मी हु हैज डन द जॉब। राइट। आपने अपना करियर बैंकिंग सेक्टर से शुरू किया था, तो ऐसा किस चीज ने आपको इंस्पायर किया जो आपने शो बिज की तरफ स्विच किया? ये कतई झूठ है कि मैंने अपना करियर बैंकिंग सेक्टर से शुरू किया। मैं राइटर था, वहाँ से आया था मैं बैंकिंग सेक्टर में। ओके। और उसके बाद वापस लौट के वापस शोबिज की तरफ। शोबिज शोबिज डजंट मीन इट वाज माय शिफ्टिंग फ्रॉम बीइंग राइटर टू banker and banker to showbiz. I was prima facie a writer. I wanted to make my career. It was not me, perhaps my parents wanted me to make the career first. And then if I could get time I would write. So usme ek wo patch aaya jisme main banker hua. और फिर वापस वहीं पहुंची, वहीं पे खाक जहां का फैमिली था। सर, उस टाइम पे आप किस तरह की फिल्म्स और ड्रामास देखना पसंद करते थे? मैं हमेशा अच्छे ड्रामे देखना, आई वाज वंडरफुल व्यूअर। मैं कभी कभी कहा भी करता हूँ कि मैं राइटर के साथ साथ अच्छा व्यूअर था। तो सबसे फेवरेट आपकी नीश क्या थी, किस जॉनर में ज़्यादा पसंद करते थे आप? देखो, जॉनर मैंने कभी डिफाइन नहीं किया। इफ आई हैपन टू गेट एनी गुड फिल्म, इट बिलोंग्स टू एनी जॉनर, आई वुड लव टू वॉच दैट। टेलीविजन ड्रामा, आई ऑलवेज बिलीव
the word entertainment is wrongly used to this. Film, television is university, college. It imparts knowledge to people, you know. It helps them learn so many things which they do not learn at home. तो मैं उसको हमेशा इस तरह लिया करता था कि वो फिल्म और ड्रामा मेरे लिए अच्छा नहीं होता था जिसमें मैसेज नहीं होता। मैसेज ओरिएंटेड यानी फिल्म्स और ड्रामास आप पसंद किया करता है। तो आपके इस प्रोफेशन ने आपकी फैमिली को तो इफेक्ट नहीं किया? फैमिली तो देखो बैंक में भी इफेक्ट होती है। आप जब काम करते हैं, मैं एक बड़ा ही डिलीजेंट काम करने वाला आदमी हूँ और जब मैं बैंक से आया करता था तो आई वॉज ऑलमोस्ट टॉपर ऑल टाइम। तो मैं हाथ में मेरे लेफ्ट और मेरे हाथ में मेरे किताब होती थी और दाएँ हाथ में निवाला होता था। तो मैं तो सारी उम्र पढ़ता रहा हूँ और उससे मेरी घर वालों को प्रॉब्लम भी होता था। पूछते थे कि यार आप कौन सा इम्तहान देना तुम्हें। तो मैं वॉज स्लाइटली डिफरेंट इन आइडिया। People normally believe that they have got education, they have got job, and they have got the wife, and that's enough. But I thought it was the point where I was to start my life. आपने हर किस्म के ड्रामा देखे हैं, जैसे मेरे पास तुम हो है, सच के तुम्हारे, और normally आपके जितने ड्रामास होते हैं उसमें आपके मेन लीड आप उसको एंड पे मार देते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ सर। आपके जिस बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं जिसमें बाद में लोग हैप्पीली दिस स्टार्ट लिविंग, उनकी कोई कहानी नहीं होती। जो हैप्पीली लिव कर रहे होते हैं ना, उनकी कोई कहानी नहीं होती और उस कहानी में कोई मैसेज भी नहीं होता। कहानियाँ जब मैसेज ओरिएंटेड होती हैं तो वो हमेशा दुख की कोख से जन्म लेती। मुझे कोई इंडियन थी अमेरिका से इंटरव्यू कर रही थी, उसने मुझे पूछा फलीसा वाई सैड एंडिंग ऑल टाइम। तो मैंने कहा व्हाट इज सैड एंडिंग, डिफाइन करो। उसने कहा ये जो आपका हीरो या हीरोइन मर जाता है। तो मैंने कहा ये अभी तय नहीं हुआ ना, ये जो मर जाना सैड एंडिंग है या जिंदा रह जाना सैड एंडिंग है, पहले डिफाइन तो कर लो। सर हमने सुना है कि सच के तुम्हारे जो ड्रामा है वो आपकी लाइफ पे बेस्ड है, क्या ये बात सच है? तो जब लोग उसको देखते हैं तो आपको अजीब ही लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ। ऐसे लोगों ने तो माशरा बर्बाद किया और मेरा मुल्क बर्बाद किया। जो वो क्या हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और मैं वो नहीं, मैं जो हूँ अंदर से वो नजर आता हूँ। जो है वो ही सबको दिखाना है। सर आपकी अब तक की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो आपको लगता हो? पता नहीं, अभी नहीं आई, अभी तक नहीं आई। इतने सारे अवार्ड्स लेने के बाद भी आपको लगता है कि अभी तक आप उस मार्क पे नहीं पहुंचे? मैं अभी मैं भिखारियों की तरह मांग रहा हूँ आपसे अल्लाह। आई विश बिफोर आई डाई आई शुड बी बेटर देन दैट पर्टिकुलर अचीवमेंट। व्हाट इज दैट? कोई कुछ सोचा होगा कि अचीव करना है? जो वो करता है उसको होने देता है। हर वही अच्छा होता है जो करता है। बेशक बेशक, हर इंसान को किसी ना किसी चीज से डर जरूर लगता है। आपका बिगेस्ट फियर क्या है? लव इज माय बिगेस्ट फियर। लव? उससे बड़ा डर कोई नहीं। एंड व्हाई इज दैट? व्हेन पीपल डिफाइन योर लिमिट्स you react. Yeah. When you define your limit, just like it. Love. When you are in love, you define your limit. So
तो जो चीज़ आपने जैसे सोची होती है अगर उस तरह से ना हो रही हो तो क्या आपको बहुत आसानी से गुस्सा आ जाता है? मैं आपको नहीं समझती हूँ। ऐसा नहीं है। नो, मुझे गुस्सा आता है ऑनेस्ट लोगों के ऊपर। मैं बार बार ये बात करता हूँ, आई डोंट लाइक पीपल, दे आर स्लगिश एट जॉब, डोंट डू इट। Who makes you to do that? When you are doing something, do it honestly, diligently. If you shirk work, if you try to pose, trying to pose is another type of dishonesty. Right. I hate this. If I don't know a few things, I should, you know, I should learn it from you. And if you don't know a few things, and I know you should learn that. Yeah, for sure. For this sure. This will make the things easier. But egos keep a wall between you and me. You don't want to ask because it will make a understanding to me that you don't know this. No. We do not know everything. So that makes the things difficult on that, on work. You instead impart knowledge and get knowledge. You just want to stick to your ego, you wait, and wait is wastage. That I hate. Right. To be simply honest, I don't know this. You know, please tell me about it. Right. जैसे लोग कई दफा आपकी thoughts पे आपके ऊपर criticism करते हैं. Obviously, कौन करते हैं? बहुत से. और घटिया जाए लोगों की बातें करोगी नहीं तो. Thoughts क्या होते हैं? पहले एक बार में. क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिसिज्म आई जस्टिफाई दिस क्रिटिसिज्म एंड आई बाय दैट क्रिटिसिज्म इफ यू आर यू हैव अ काउंटर आर्गुमेंट यू ब्लडी डू नॉट हैव अ काउंटर आर्गुमेंट एंड यू क्रिटिसाइज या सो देन आई से हाउ डेयर यू ब्रिंग एन आर्गुमेंट टू कोप विद दैट एग्जैक्टली ब्रिंग एन आर्गुमेंट टू टेल मी दैट आई एम रॉन्ग आई विल से आई एम रॉन्ग ना लोगों के पास पॉइंट नहीं होता यू डू नॉट हैव एनी आर्गुमेंट You just say by for the sake of saying that I've never bought. Right. अच्छा सर मुझे बताइए आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन है और क्यों? बड़े जो अच्छा काम करता है वो मेरा फेवरेट. मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है जिसको आप कह सकें कि वो मेरा फेवरेट है. कैसे डिफाइन कर सकते हो? ये मेरा बेस्ट एक्टर है. पता नहीं वो कल एक ऐसा एक्टर जिसको आप इस वक्त पसंद नहीं कर रहे वो उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा. It is a one day game, you know. Who performs that day is the man of the match. Right. अच्छा आपका favorite music किस किस्म का है? Melodies my. आपके कोई upcoming projects जो आप हमारे साथ share करना चाहें? Yeah, too many projects. जिस पे आप currently काम कर रहे हों? अभी तो half done film पड़ी हुई है. London नहीं जाऊँगा. ठीक है. Due to Corona, we are not able to shoot the part because we shot in England. Then two series are in the pipeline, hopefully. One in November and the other one in December, they'll start, provided other things remain the same. Right. And nothing goes wrong with respect to Corona. Corona will sit down and wait again. So, ऐसी कोई चीज़ जो अभी तक audience को आपके बारे में नहीं पता? या एक बात याद रखो हम जानते पता किसको है जिसको जानना चाहते हैं तो ऑडियंस जब जानना चाहेगी जो जानना जिन्होंने जानना चाहा वो मुझे बहुत ठीक से जानते हैं और जो खाली खाली एक वाक्य की बुनियाद पर या एक इंसिडेंट की बुनियाद पर मुझसे बातचीत करने आते हैं वो मुझे नहीं जानते वो कभी नहीं जान पाएंगे राइट सर हर एक की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है आपकी है जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए हो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा आई वॉज इंस्पायर खाली लोग मान कम बाय योरसेल्फ दिस वाज माय सेल्फ मैंने कभी कहा कि खाली लोग मान कम जो आदमी की मैं भी इज्जत करता हूँ इट इज़ नॉट माय सेल्फ इट इज़ द गिफ्टेड गॉड या मेरी तो कोई घर में बात नहीं सुनता था अब लोग मिसेस मान से मुझे सुनते हैं बिल्कुल तो खाली लोग मान से खाली लोग मान कम अलग आते हैं आपका सबसे फेवरेट डायलॉग मैंने ऑलरेडी तुम्हें ये सवाल तुम पूछ चुके हो मैं बता दूँ मेरा फेवरेट डायलॉग कौन है
बहुत सारे हैं, मैं और भी दो चार नाम भी और डायरेक्ट सुना देता हूँ। मोहब्बत को दम किया हुआ पानी नहीं जिसे किसी को बगैर प्यास के खिला दिया जाए। खुदा से रो रो कर मांगते हैं, मांग कर नहीं देते। बिल्कुल, आपने बहुत सारे गाने भी लिखे हैं, कोई आपका उनमें से फेवरेट हो? जो चीज़ जो लिख रहा होता हूँ फेवरेट होता है। आप उसमें क्या फर्क आता है शोहरत का? सबसे ज्यादा शोहरत मिली तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। इस गाने के पीछे कोई इंस्पिरेशन या कुछ सोच के ऐसा? मुझे हमेशा ये मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं फिक्रा कहूँ। पीपल टॉक अबाउट सम इंस्पिरेशन ऑल द टाइम फॉर देम, मेरे यहाँ कोई इंस्पिरेशन नहीं थी। मुझे उतरता है अल्लाह के फजल से, जो आता है मैं लिख देता हूँ। लेकिन इस गाने का किसी एक वाक्या था, मेरा भाई एक सीरियल शूट कर रहा था, मेरा लिखा हुआ अनसुन, तो साजिद हसन का वो प्रोड्यूस था। साजिद हसन वो सच अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। तो एक दोपहर को मैं उस वक्त लिखा था सड़के तुम्हारे, तो मेरे फ्लैट का बैल हुई और दोबारा खुला, मेरा भाई वहाँ था, उसको साजिद हसन गया। वो शॉर्ट पहनी हुई थी उसने और एक बुनियान नुमा सफ़ेद रंग की शर्ट टी शर्ट पहनी हुई थी, हाथ में सिगरेट है, सिगरेट लगी हुई है, आग में फर्श पर लेट गया। मैंने ये क्या करा? वो लेटा हुआ वो सिगरेट पी रहा, कहता वो मैं शकीला को बोल के आया हूँ आज गाना आएगा या लाश आएगी मेरी, शकीला भाभी का नाम है। यार पागल हो गया, तो ढाई बजे पैर का वक्त है, ये तो आमद का टाइम ही नहीं है। मैं लिख दूँगा तेरी कसम, गाना लिख रहे थे तो झूठ बोला, तो नहीं लिख रहा तो टाल रहा मुझे। मैं तो 15-20 मिनट कन्वेंस करता रहा उसको, वो नहीं माना। मेरा छोटा भाई उसको बहुत चाहता है, वो उसको कन्वेंस करता रहा, वो नहीं माना। मैंने कहा चलता है बेटा, मैं जाकर लिखना शुरू कर दिया। तो लिखते लिखते मुझे याद आया, आई यूज टू बी इगोइस्टिक गाय ऑल द टाइम्स। तो जब मैं बैंक में था तो मेरी फोर्थ नाइटली मीटिंग होती थी स्टेट बैंक में, आई यूज टू गो टू कराची। तो रस्ते में जहाज़ में मेरी कभी कभार एक्टर्स से मुलाकात हो जाती थी। आई यूज नॉट लुक एट देम एट ऑल, बट देयर वाज वन पर्सन, वो साजिद हसन था। जब मेरा दो दफ़ा आमना सामना हुआ, मैंने दोनों दफ़ा उसको मुड़ के देखा, तो मैंने उसमें ख्याल आया मेरे अंदर, मैंने कहा शर्म कर खरीद रहा हूँ जिस शख्स को कभी कोई मुड़ के देखा सकता था। आज मेरे फ्लैट के फर्स्ट पर बेटा होगा, भले ही बड़ा गहरा, बिल्कुल बस ये मैंने ख्याल आया और इसके साथ ही अस्थाई उतरी मेरे, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़ आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। मैं तो उठाना हो गया जहाँ तो झूठ, मैंने कहना तेरी कसम जो कि बहुत हिट हुआ। आई रोट इन अबाउट 20 मिनट्स, तो 25 मिनट में गाना लिखा हुआ। इसी तरह ये भी मेरे पास तुम होगा गाना भी 25 मिनट में हुआ। 25 मिनट में बस लव जाने की देर होती है, मेहरबानी, यही तो पता चलता है बंदे जॉब का। वो दे दे तो 25 मिनट, वो ना दे तो 25 साल। स्क्रिप्ट्स के साथ साथ आप पोइट्री भी करते हैं? अरे मैं पहले पोएट हूँ, बाद में स्क्रिप्ट राइटर। कोई पोइट्री हमें सुनाइए प्लीज। तेरे दिमाग के सामने पोइट्री सुन, मेरी शोहरत मेरा डंका मेरे एजाज का सुनकर, कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मेरी शोहरत मेरा डंका मेरे एजाज का सुनकर, कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मैं बिजनेस मैन हूँ जानम, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है,
वो तेरे गम का सौदा है, तेरी आँखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे, वही तो मैंने बेचे। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता, तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ, ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो तो यादें बेच देता हूँ। तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है, मगर क्यों मुझको लगता है, मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम्ही को भेजाया है। मैं बिजनेस मैन हूँ, मैं बिजनेस मैन हूँ। वेरी नाइस सर, आखिर में आप जो हमारे यंग राइटर्स आ रहे हैं, डायरेक्टर्स आ रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? If you have that gift of Allah within you, then you do write. And if you just write by seeing people writing, you won't be able to write it. You won't be able to become a writer at all. The same is the message for the directors. Directors are also born people. It is only some techniques they have to learn. If they know that direction is there within them, that is inbuilt, they should definitely come out to do that. Otherwise, it's just a it's like cutting a sorry figure. Right. Thank you so much, sir, आपके वक्त के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा हमने खलीलुर रहमान साहब के साथ कितनी अच्छी अच्छी बातें की। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।